हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है कि किस स्टूडेंट का क्या रैंक है, ऑल इंडिया रैंक कितने मार्क्स पर है, क्या स्टेट रैंक उनका रहा है, और जो स्टूडेंट्स है वो किन किन राउंड में जो है सिलेक्ट होने के चांसेज है, राउंड वन में किस रैंक तक अप्लाई करना चाहिए, राउंड टू में किस रैंक तक, ये पूरी मेरिट लिस्ट जो है आउट हो रखी है। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे इतने नंबर हैं, हमें कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राउंड्स में ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा फ़ी होती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस के से बचने के लिए कि अलग अलग राउंड में अलग अलग फ़ीस ना देनी पड़े, ऑल इंडिया कोटा से अलग फ़ीस, स्टेट कोटा से अलग। तो इसलिए आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि आपका नंबर किस राउंड में पड़ सकता है और कौन से कोटे की काउंसलिंग में पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा। तो आज ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ विद प्रूफ, ऑफिशियल प्रूफ। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी की काउंसलिंग से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्टेट मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हो, काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड हो, या वैकेंट सीट मैट्रिक्स, हर टाइप के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका रिजल्ट आया है। रिजल्ट सबने देख लिया, सबका स्कोर कार्ड सबके पास है, कितने मार्क्स पर कितना ऑल इंडिया रैंक बन रहा है, ठीक है। अब बात आती है ऑल इंडिया रैंक के बाद स्टूडेंट देखते हैं स्टेट मेरिट रैंक। जब आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी तो ये मैटर करेगा कि आपका स्टेट में मेरिट कौन सा है, आप स्टेट में किस नंबर पे हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जैसे 4-5 हज़ार रैंक ऑल इंडिया रैंक जिनका है, उनका स्टेट रैंक 3-4 आ जाता है, तो उनको काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो आज मैं यही आपको दिखाने वाली हूँ, तो देखिए। तो गाइस, ये मैंने ओपन कर दी है कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है स्टूडेंट्स की। तो किस में कितना आपका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या क्या इसके अंदर दिया गया है देख सकते हैं। सीरियल नंबर से आपको ये पता चल जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट है, ये रजिस्ट्रेशन आईडी इनकी दी गई है, ये इनकी नीट आईडी है, ठीक है। ये कैंडिडेट्स की नेम मेंशन है, फादर नेम, क्या इनका जेंडर है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल ओपन किया है राजस्थान स्टेट का, ठीक है, क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट तो सभी स्टेट्स की अलग अलग होगी, इसलिए फ़िलहाल मैंने राजस्थान स्टेट का ओपन किया है। तो यहाँ से ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं। नीट की परसेंटाइल इनकी कितनी रही है वो यहाँ पर है। नीट में ऑल इंडिया रैंक इन स्टूडेंट्स का क्या है, और नीट ऑल इंडिया रैंक के बाद स्टेट रैंक में यह कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए अगर यहाँ से देखेंगे ऑल इंडिया रैंक इन स्टूडेंट का कितना है 230, और अगर मैं स्टेट रैंक की बात करूँ तो कितना चल रहा है, 14 चल रहा है। मतलब जिन स्टूडेंट का रैंक ऑल इंडिया में 51 था, उनका स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंक कितना है, स्टेट में फर्स्ट रैंक पर है वो, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप 150 के अंदर आते हैं, इनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इनकी मनपसंद का कॉलेज इनको मिल जाएगा, या 200 के आसपास, 300 के आसपास रैंक तक वालों को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो चॉइस होती है एम्स न्यू दिल्ली होती है, 100 सीट होती है, लेकिन उसके बाद भी एम्स है, जिपमर है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। पहले स्टूडेंट्स उन पर ट्राई करते हैं, अगर वो सीटें नहीं मिलती है तब वो स्टेट के अंदर जो कॉलेज है वो लेते हैं, ठीक है। तो टॉप जो स्टूडेंट होते हैं वो उस साइड निकल जाते हैं, तो स्टेट मेरिट के अंदर वो भी बेनिफिट स्टूडेंट्स को हो जाता है। तो देखिए अब अगर मैंने ये ओपन किया, 578 जो जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक था, आप देख सकते हैं स्टेट रैंक क्या है, 42 है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेज है। अब मैं थोड़ा आगे चल लेती हूँ, टोटल मिलाकर ये 614 पेजेज है। अब जैसे मैंने ओपन किया है 314 नंबर पेज, अब 314 नंबर पेज पे आप देखेंगे कंबाइंड ये नीट ऑल इंडिया रैंक जो स्टूडेंट का है वो कितना है,
107,352 ऑल इंडिया रैंक है। अब अगर स्टेट रैंक देखेंगे तो इनका कितना है, ओनली 7,826, ठीक है। तो और ये ST कैटेगरी के अंदर है, तो रिजर्वेशन का भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। रिजर्वेशन के तहत भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। SC ST वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कट ऑफ कम जाती है, SC की फिर भी ठीक जाती है, लेकिन ST की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो काफ़ी कम मार्क्स पर भी इनके एडमिशन्स की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, टोटल मिलाकर 614 पेजेज है, ठीक है। फिर भी इन सबको लेकर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिस भी स्टेट की मेरिट लिस्ट आपको चाहिए, जैसे राजस्थान के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने राजस्थान स्टेट की मेरिट लिस्ट ली है, आपको किसी और स्टेट की जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।